वेलकम बैक टू माई चैनल सिमकाजू। आई एम सिमरन पोदार। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी, यूज़फुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं सिचुएशन टेस्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है, निफ्ट के रिज़ल्ट निकल चुके हैं और जितने भी बच्चे हैं वो क्वालिफाइड हो चुके हैं सिचुएशन टेस्ट के लिए। सो उसके ही हिसाब से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी और चलिए देखते हैं हमें उन चीज़ों के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक पाइप के बारे में। हम एक स्क्वायर पाइप बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये स्क्वायर पाइप होगा सो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर कितना, मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में निकल कर आया है ये पाइप से। सो सबसे पहले हमें चाहिए एक बोर्ड। नेक्स्ट हमें चाहिए एक प्लास्टिक का स्केल जिसे मेज़रमेंट करने के लिए। नेक्स्ट चाहिए हमें एक स्टील का स्केल। फिर उसके बाद नेक्स्ट चाहिए हमें एक पेपर स्क्रैपर, ये इतना ही छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद पेन पेंसिल हमें यूज़ करना है, क्योंकि मेज़रमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसा पेंसिल हमें यूज़ करना है। हमें इरेज़र यूज़ करना है ताकि कोई भी मेज़रमेंट गलती हो जाए तो हम उसे इरेज कर सकें। और उसके बाद फेविकॉल यूज़ करना है। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम पाइप कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आप कटिंग मैट का यूज़ करें। ये प्लास्टिक बोर्ड मैं अभी टेम्प्रोरी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक कॉपी रख सकते हैं, छोटा सा डायरी रख सकते हैं जिसमें आप मेज़रमेंट जितने भी चीज़ हैं मेज़रमेंट पहले ही आप लिख लें, उसकी रफ एक कॉपी बना लें। और उसमें मैं फोर डिवाइड करूंगी, फोर पार्ट्स में, और उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्जिन भी छोड़ूंगी इसमें। इतना भी है ईच 2 सेंटीमीटर्स ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक इस तरीके का पेपर लेना है जिसे पेस्टल पेपर भी कहा जाता है, और हमें इसी थिकनेस की पेपर लेनी है। ये मे बी 200 GSM की पेपर होती है, चार्ट पेपर से थोड़ा मोटा होता है ये पेपर और स्टेबल होता है, तो ये अच्छे तरीके से बनाने में यूज़ होता है निफ्ट सिचुएशन के लिए। और इस पेपर को पेस्टल पेपर भी लिया जाता है। तो स्केल की हेल्प से, जो प्लास्टिक की स्केल होती है उसके हेल्प से और पेन पेंसिल के हेल्प से हम लोग मेज़रमेंट ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 0.5 की मार्जिंग भी रखी है साइड से, बिल्कुल बिल्कुल पेन पेंसिल इसीलिए यूज़ होना चाहिए क्योंकि एक सेंटीमीटर की भी सेंटीमीटर की भी बिल्कुल गैप नहीं रहनी चाहिए उसमें। मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज़ बता रही हूँ और आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैं एक प्लास्टिक स्केल की मदद से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मीट होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। छोटे वाले स्केल की मदद से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं और बड़े वाले स्केल की मदद से आप अच्छे से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक स्टील की स्केल की मदद से हम पेपर को कट कर लेंगे। कट हमें मार्जिन के साइड पे करनी है और जितने भी होंगे उसे हम हाफ कट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आगे हाफ कट क्या होता है। सो इतने बड़े स्क्रैपर की मदद से, इससे ज़्यादा बड़ा स्क्रैपर नहीं लेना है और उसे उतना ही निकालना है और उसे चेक करना है कि वो ठीक से परफेक्टली हुआ है कि नहीं, और उसे पेंसिल टाइप का पकड़ के उससे अच्छे तरीके से कट करना है प्रेशर डाल के।
ये कट हो चुका है, उसके बाद हम हाफ कट करेंगे। तो हाफ कट करने के लिए हमें वो जिससे हमने कट किया था उसे उल्टा करके उसी पॉइंट से पेंसिल की तरह थोड़ा स्ट्रेट पकड़ के हम इसे हाफ कट कर लेंगे। हाफ कट करने से क्या होता है, वो अच्छी तरीके से मुड़ जाता है और आपको नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हेल्प होगी। हम सभी चारों लाइंस को हाफ कट कर लेंगे। हाफ कट करने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है पेपर को, हाफ जहाँ से हाफ कट हुआ है उसके अंदर से हमें फोल्ड करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। चारों साइड फोल्ड कर लेने के बाद, हाफ कट कर लेने के बाद फोल्ड कर लेना है हमें, मार्जिन को भी फोल्ड कर लेना है। अब एक ग्लू की हेल्प से मार्जिन पे इसे पेस्ट करना है, तो हम ग्लू को अच्छी तरीके से फैला लेंगे और ज़्यादा नहीं लगाना है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से सूख जाए उतना ही लगाना है, और एक छोटे से पेपर की मदद से उसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए हर जगह से। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं उसे पेस्ट कर रही हूँ। सो पेस्ट करने के लिए उसे प्रेशर से अच्छे तरीके से पेस्ट करें, अपनी फिंगर्स नहीं लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए आप दूसरी किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्केल का आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितना स्क्वायर हुआ है। और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस पाइप को किसी फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, आप इस पाइप को कोई ब्लॉक अगर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, और इस चीज़ को आप इस पाइप को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी वीडियो थी, बहुत ही बेसिक नीड है और बेसिक ही इम्पॉर्टेंट होती है, जैसा कि सबको पता है बेसिक से आप बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे और भी वीडियोस आ रही हैं। थैंक यू।